बहुत बार ये डिस्कशन होता है कि ये जो जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं इन्होंने बहुत डेट ले रखा है, और जिस डेट की वजह से क्या आपको लगता है आने वाले समय में इनको सफर करना पड़ेगा अगले 5-7 सालों में, चाहे वो यूएस हो चाहे कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज हो। देखिए, यूएस को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यूएस का जो 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 कर्ज है वो उसकी ही करेंसी में है, बिकॉज यूएस की कोई फॉरेन करेंसी अलग नहीं है, डोमेस्टिक करेंसी अलग नहीं है, उसके पास यूएस डॉलर है, और यूएस डॉलर में ही अगर डिनोमिनेटेड आपका डेट है, जो कि यूएस का होना ही है, तो आप उसको लोकल करेंसी ही मान लें। एंड लोकल करेंसी डेट से कोई कंट्री बैंकरप्ट नहीं होता, आप समझिए। चाइना के साथ भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, उनके पास डेट है लेकिन डेट इज इन लोकल करेंसी। ओके, जहां आपके पास फॉरेन डेट होता है वहां पर एक 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 करेंसी क्राइसिस होने की बात हो सकती है, विच कैन लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यस, दुनिया में डेट कर्ज बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द सक्सेसिव प्रॉब्लम्स, यू नो, ऑफ 2008 के बाद कर्ज बहुत बड़ा, और सेकेंड फेज में कोविड के बाद बहुत कर्ज बढ़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कर्ज अपने आप में ये पूरे वेस्टर्न इकोनॉमीज का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। रियल तकलीफ है इन इकोनॉमीज में, आई एम टॉकिंग नॉट यूएस, यूएस एक अलग लीग में है साहब, वो देश अलग है, उसके बहुत ठोस ढांचे हैं। लेकिन यूरोपियन, अगर आप पूरे 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 ब्लॉक को देख लें, तो इनके पास ना जुनून है, ना लोगों में करने की क्षमता है, ना पॉपुलेशन में वो जोश है, बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन है। तो मेरा ये कहना है यूरोप एक जायंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के रह जाएगा, हम जैसे, यू नो, भारतवासियों के लिए, चाइनीज के लिए, ब्राजीलियंस के लिए, जिनके पास पैसे हो, उनके पास कोई उद्योग बिल्कुल अब आके नहीं नजर आता। अब जर्मनी को एग्जाम्पल है, बेस्ट बेस्ट कंट्री है यूरोप में, नंबर वन, लेकिन 1 out of every 5 jobs इज इन द ऑटो ऑटो इंडस्ट्री, एंड वो भी जो मैकेनिकल ऑटो है, नॉट इन 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 द ईवी पार्ट। ईवी में कुछ खास उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। अब आप बताइए, अगले 10-20 साल में मालूम है कि वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, 20 से 25% आपकी पॉपुलेशन काम करती है आपके इसमें, इन इन अ डाइंग इंडस्ट्री और एजिंग इंडस्ट्री। तो आगे जाके क्या होगा इन कंट्रीज का? फॉरगेट अबाउट फ्रांस और स्पेन और पुर्तगाल और ग्रीस और ये सारे देशों को, तो बात ही जितना कम करे उतना ही बेहतर है। आई एम टॉकिंग जर्मनी। नहीं, ठीक बात है, ये देखने को मिल